पीएचपी के बारे में बात कर रहे हैं आज। पीएचपी पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डिजाइन हुई है वेब के लिए, यानी आपके इंटरनेट के लिए। एक एचटीएमएल पेज के अंदर आप पीएचपी कोड को रख सकते हैं, उसमें एम्बेड कर सकते हैं, और ये तब तब रन करेगा जैसे ही आप पेज आप विजिट करें। जो पीएचपी कोड आप लिखेंगे वो इंटरप्रेट होता है कहां पर, वेब सर्वर पे जाके, और फिर उसका एचटीएमएल जनरेट होता है, फिर आपको वो मिलता है। तो समझिएगा इस बात को कि आप क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे हैं। एक्चुअली इंटरनेट पे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को मानिए। क्लाइंट में आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं ब्राउजर, आपके पास एक ब्राउजर है। अब स्टैटिक पेज बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे, एचटीएमएल। हम एचटीएमएल यूज करते थे, एचटीएमएल अभी ये 5 आ गया जिसमें हम डायनेमिक कंटेंट भी दे सकते हैं, तो अभी हम फिलहाल उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एचटीएमएल की बात जब आ रही है, एचटीएमएल में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फंक्शंस डालने हैं, कुछ फंक्शनलिटी डालनी है क्लाइंट साइड पे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। बट अब आपको क्लाइंट से सर्वर से इंटरेक्ट करना है, अपना कुछ ऐसा काम है जो सर्वर से चलेगा। जैसे आपका डेटाबेस है, अब डेटाबेस से आपको डेटा लेके आना है यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ इसके अंदर आप एचटीएमएल के अंदर आपके पीएचपी का कोड लिखेंगे। ये पीएचपी इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो कोड रन होगा जाके वेब सर्वर पे। तो सर्वर पे क्या होगा, वेब सर्वर का मतलब मैं कह रहा हूँ कि मशीन नहीं बल्कि एक वेब सर्वर जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को ऑनर करता है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को ऑनर करता है, यहाँ से आपका रिक्वेस्ट जाएगी और आपके रिस्पांस आएगा, और पीएचपी बीच में एम्बेडेड है। तो ये पीएचपी का काम है, पीएचपी कहाँ पर रोल उसका है। तो हिस्ट्री पहले जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जैसे मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म कोई ऐसा पीएचपी नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म है एच से शुरू होता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इनको रैस्मस लेडॉफ ने बनाया था, और ये जो इनिशियली डेवलप हुई थी उसका तात्पर्य केवल ये था बनाने का कि HTTP यूसेज लॉगिंग और सर्वर साइड फॉर्म जनरेशन इन यूनिक्स में, HTTP यूसेज लॉगिंग और सर्वर साइड फॉर्म जनरेशन था इसका मेन जो मुद्दा था बनाने का। फिर PHP 2 आई। अब ये क्या है कि 1995 में PHP 2 ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस लैंग्वेज को सर्वर साइड एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हम आज देख रहे हैं। इसमें डेटा सपोर्ट, डेटाबेस सपोर्ट डाल दिया गया, फाइल अप्रोच, वेरिएबल, एरेज, रिकर्सिव फंक्शंस, कंडीशंस, इटरेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं जो आपको एक हाई लेवल लैंग्वेज में अमूमन मिल जाती है, जैसे C++, जावा, C#। PHP 3, इसके बाद PHP 3 जब आया तो इसमें ODBC डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट डाल दिया गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट आ गया, ईमेल प्रोटोकॉल जैसे कि SNMP है और IMAP है, ये भी आ गया। इसके बाद नया पार्सर जो Zeev एंड Andy ने लिखा था वो इसमें डाल दिया गया। फिर PHP 4, अब ये PHP 4 बन गए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वेब सर्वर, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। पार्सर को नया नाम दिया गया जिसे हम उन्होंने कहा जेंड मशीन, और काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें डाले गए PHP 4 में। फिर PHP 5, इसमें जेंड इंजन तो था ही, जेंड इंजन 2 डाला गया जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, XML का रोबस्ट सपोर्ट जिसमें आप libXML 2 लाइब्रेरी देखेंगे, सोप एक्सटेंशन किसके लिए, ताकि वेब सर्विसेज के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी हो सके, और खास तौर पे SQLite इसमें बंडल आया। तो PHP क्या है, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ओपन सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओपन सोर्स है, यानी इसका सोर्स कोड आप देख सकते हैं, और ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज बनाने के काम आती है। PHP आप रिजर्व वर्ड के बीच में लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि इस रिजर्व वर्ड के बीच में पता चलता है उस रिजर्व वर्ड से, देखिए साहब ये PHP का स्क्रिप्ट है, हम देखेंगे उसको। इंटरप्रेट लैंग्वेज है, यानी कि स्क्रिप्ट जो है, जो PHP स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट ही है, ये पार्स होता है, यानी पार्सिंग का मतलब ये होता है कि उसका मसौदा निकाला जाता है रन करने के लिए, तो रन टाइम में ये पार्स होता है, कंपाइल टाइम में नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा PHP रन टाइम में सर्वर साइड पर रन होती है, यानी वेब सर्वर पर रन होगी, और सोर्स कोड क्लाइंट को विजिबल नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जैसे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देखते हैं ना, आपके ब्राउजर पे जाइए, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देखिए, तो उसमें आपको PHP कोड नहीं दिखाई देगा, केवल HTML दिखाई देगा। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आपको मिलेंगे PHP में जो फास्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस, जितने भी पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, अभी मैं इसकी लिस्ट बताऊंगा आपको, सबसे कंपैटिबल है। तो अब जिसका इंतजार कर रहे थे वो ये था आपका कि PHP दिखता कैसा है, PHP का कोड दिखेगा कैसा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसका काफी हद तक C++ के जैसा ही है, ये प्रोसीजरल और कुछ हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करती है PHP, और जितने भी PHP स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, वो एंड होते हैं सेमीकॉलन से। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हर एक इंस्ट्रक्शन
सेमी कॉलन से एंड होता है, पीएचपी भी इसी तरीके से होता है। और हर एक पीएचपी स्क्रिप्ट किसके अंदर, किसी रिजर्व टैग के अंदर आएगी, वो रिजर्व टैग क्या होगा, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे पीएचपी, इससे पता चलेगा पीएचपी की शुरुआत हो रही है, और जब भी क्वेश्चन मार्क एंड हो जाएगा तो आप बोलेंगे यहाँ से पीएचपी खत्म हो गया, एचटीएमएल शुरू हो जाएगा, या और जो भी चीज़ आपके एक वेब पेज में होगी। पीएचपी क्यों यूज़ करते हैं, वॉइस पीएचपी यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ईजी है। एचटीएमएल के अंदर कोड लिखना है, स्पेशल स्टार्ट और एंड टैग्स आप देख रहे हैं, आराम से आप जंप कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, पीएचपी के बाहर। ये आप देखिए, एक आपका एचटीएमएल का कोड है, एचटीएमएल में एक का हेड है, ये एचटीएमएल की बॉडी है, तो ये एचटीएमएल हेड बॉडी, तो इसके अंदर ये क्या है, ये जो बता देख रहे हैं ये है आपका पीएचपी, दिस इज योर पीएचपी, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी, इसके अंदर इको लिखा, इको मतलब प्रिंट होता है, जैसे प्रिंट प्रिंट एफ और सी आउट आपने देखा होगा हाई लेवल लैंग्वेज में, पीएचपी में इको होता है। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये है कि ये इट रन ऑलमोस्ट ऑन एनी वेब सर्वर, चाहे वो आपका टॉम कैट हो, अपाचे हो, जितने भी वेब सर्वर आप देख लेंगे, लॉजिक है, कितने सारे वेब सर्वर आपके पास है, सब में ये चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलता है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये आराम से बगैर किसी दिक्कत के ये रन करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपको सर्वर से लाना क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉन्ट डेटाबेस, डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो आप डेटाबेस से डेटा लाते हैं। पीएचपी का जो मेन काम आप देखेंगे अक्सर वो यही है, आपका फेसबुक जो है वो पीएचपी में बना है, तो वेब सर्वर्स चाहे अपाचे हो, माइक्रोसॉफ्ट आईएएस हो, कॉडियम हो, नेटस्केप एंटरप्राइज सर्वर हो, सब सपोर्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए पूरी सीरीज, और जो डेटाबेस है, अब इसमें जो भी आपका फेवरेट डेटाबेस है उसको बस ढूंढिए, आपको वो मिल जाएगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तीसरा है इसका यूज करने का फायदा, वो है कॉस्ट बेनिफिट। पीएचपी फ्री है, पीएचपी क्या है, फ्री है, क्यों, क्योंकि ओपन सोर्स कोड है, इसका मतलब पूरी पूरी कम्युनिटी लगी रहती है, कोई भी बग आएगा फटाक से उसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो पीएचपी के साथ हैं, वो भी आपको फ्री मिल रही है, तो पीएचपी फ्री है, हर जगह फ्री है। ये क्लाइंट है आपका, अब एक्चुअल एप्लीकेशन किस तरीके से रन करेगा या किस तरीके से इंट्रैक्शन होगा देखिएगा। क्लाइंट, क्लाइंट ने भेजा एचटीटीपी रिक्वेस्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूआरएल यहाँ टाइप किया आपने, वो गया वेब सर्वर पे। वेब सर्वर क्या करेंगे, वो उसको पेज लेंगे और वो देखेंगे अरे ये तो पीएचपी है, पीएचपी का कोड चेंज कर देंगे, वो कहेंगे अरे ये पीएचपी कुछ कहता है, चलिए हेलो यहाँ पर प्रिंट कर दें, और फिर वापस सर्वर पर दे देंगे। ये इतना सा काम होता है इसमें, तो अल्टीमेटली आपके ब्राउजर पे जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ब्राउजर है वो क्रिएट करेगा वेब पेज को, ये आपको हेलो दिख जाएगा। तो पीएचपी, बहुत सारे आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अवेलेबल है, जैसे एएसपी है, एसएसजेएस है, जेएसपी है। पीएचपी में एक तो सिंपल है, खास तौर पर जब डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात देखिए, एएसपी किसकी टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट की, जेएसपी किसकी टेक्नोलॉजी है, जावा की, सन मतलब ओरेकल की, आप पहले सन की थी, अब ओरेकल की हो गई। तो पीएचपी ये प्राइमरीली वेब एप्लीकेशन के लिए डिजाइन की गई है, और सबसे बड़ी बात ये ऑप्टिमाइज है, यानी परफॉर्मेंस वाइज, एफिशिएंसी वाइज बहुत अच्छी है, खासतौर पर वेब एप्लीकेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं किस तरीके से आप एचटीएमएल के अंदर पीएचपी लिखेंगे, तो उसके लिए आप एचटीएमएल लिखते हैं, उसके अंदर आप अपना पीएचपी का कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद एचटीएमएल को एंड कर देते हैं पीएचपी कोड खत्म करने के बाद। तो पीएचपी का इको देखिए, पीएचपी के प्रिंट करना चाहता है हेलो वर्ल्ड, तो इसमें जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट से बंद करते हैं, तो ये प्रिफर्ड मेथड है, क्योंकि ये एक्स एचटीएमएल के साथ भी आपको यूज करने में आपको मदद करता है, आराम से यूज हो जाएगा। अब अगर केवल आप ये लिख देते हैं पीएचपी लिखते हैं, तब क्या, यहाँ पर पीएचपी नहीं है, फिर क्या होगा, ये रिकमेंडेड नहीं है, इजी तो टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगा खासतौर पर एक्सएमएल के साथ। अगर आप लिखते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू पीएचपी और फिर बंद करते हैं यहाँ से, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है ही। अगर केवल आप एंगल परसेंट और परसेंट एंगल करते हैं, तो ये तो एएसपी के लिए, तो इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। एक सिंपल एचटीएमएल पेज पीएचपी के साथ देखिए कैसे, एग्जांपल हमारा एचटीएमएल है, यहाँ पर हेड है, टाइटल में हमने लिखा माय फर्स्ट पीएचपी पेज, बॉडी है, बॉडी के अंदर आप जाके पीएचपी का कोड लिख देंगे, तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल एक अपना टेक्स्ट एडिटर खोलिए, उसमें टेस्ट डॉट पीएचपी लिखिए, आपको ये हेलो वर्ल्ड दिखेगा। खास तौर पर ध्यान रखिए सेमीकोलन जो आपको दिख रहा है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह लास्ट में सेमीकोलन लगाता है। ओके, पीएचपी जैसे बाकी लैंग्वेजेस, बेहतरीन लैंग्वेजेस जो है, ये वाइट स्पेसेस को छोड़ देता है, वाइट स्पेस मतलब होता है टैब स्पेस इस टाइप का। आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसका जिसको डेट डब्ल्यू दे दिया,
तो अगर आपका ये जो वेरिएबल है, अगर ये चार है जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं, अगर ये चार है तो आप इको करेंगे थर्सडे, अदरवाइज इको कर देंगे टुडे इज नॉट थर्सडे। तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो और थोड़ा सा डिटेल नहीं देखेंगे और आगे के लिए थोड़ा सा यू नो स्टे ट्यून्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।